आपको ध्यान रखते हैं कि ये दोनों चीजें कहाँ हो, फ्रंट में हो, ये सब चीजें ध्यान रखते हैं आपको बताना, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा, क्या दिख रहा होगा नीचे और उसके बाद, और ये स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, और यहाँ से मैं स्पिन टाइमर चालू किया हुआ, स्पिन टाइमर भी दिख रहा होगा, ये बास्केट हमारी भी ढूंढ ली है, ठीक, ये मूव भी करते हैं। जब आपको नई मोटर वापस से लगानी है, स्पिन मोटर वापस से नहीं लगानी है, तो आपको ये एक स्क्रू, ये दो स्क्रू, ये तीन स्क्रू खोलने पड़ेंगे और कपलिंग भी हटानी पड़ेगी, उसके बाद ही मोटर जाती है। और जब नहीं लगाओगे ना, तो सबसे पहले मतलब ये ब्रेक हम ब्रेक लगाने से पहले भी ना एक पैकिंग शीट आती है, येलो रंग की आती है, वो आपको लगानी है, उसमें तीन होल करने और एक बड़ा होल करना जिसमें मोटर की शाफ्ट निकलेगी, और फिर ऊपर से सबको टाइट कर देना। उससे क्या होगा, आपकी अगर बाद में मोटर में से इसमें से पानी निकलता है ना, तो पानी निकलेगा तो मोटर फुकेगी नहीं, वो पानी क्या होगा आस पास जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा मोटर पे। तो आपकी जब मोटर ख़राब होती है तो आपको ये लगाना ही है। दूसरी बात क्या करना है, जब भी मोटर को वापस से सेट करो तो आपको ऐसे सेट करना है कि मोटर की वायर और ब्रेक वायर ये दोनों एक तरह से निकले, ये ना हो ये ब्रेक की वायर कहीं और से जा रही है और ये ब्रेक की वायर कहीं और है और मोटर की वायर कहीं और है, ऐसा ना हो, ये आपको ध्यान रखना। और वापस जब इसको जब सेट करना है तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें फ्रंट में होनी चाहिए, आपको ध्यान रखते हैं कि ये दोनों चीज़ें कहाँ हो, फ्रंट में हो, ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं आपको बताना, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा क्या डिसेंबल, अब इसको क्या करेंगे, हम असेंबल करेंगे। चलो जी, हम असेंबल करेंगे और जो चीज़ मैं आपको बताई है वो सब कुछ चीज़ें देखते हो आपको असेंबल करना, ठीक है। चलो पहले स्पिन वाला ये असेंबल करेंगे, एक बंदा पहले अंदर से ड्रम पकड़ लो स्पिन वाला सेट, और हल्का था बस। तो ये आपको क्या ध्यान रखना, जब आप वापस से सेट करना है ना, तो यहाँ पे एक ना कट बना होता है, इस कट के ऊपर ही नट टाइट होगा, यहाँ पे नट टाइट होगा, तो आपको ये ध्यान रखते हुए करना है, और ये चीज फ्रंट में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम डालेंगे और टाइट करेंगे, चलो जी टाइट करो, पकड़ेगा वो दबा के रखना, आ गया, अब नट टाइट कर दो। अब ये जो है वापस से गियर बॉक्स बिठा दिया, तो आपको ध्यान के रखना है वहां पे गियर बॉक्स बिठाना है जहाँ पे स्क्रू मैच, स्क्रू पर टाइट मत करना अभी, ठीक है, स्क्रू अभी टाइट मत करना, क्रॉस पे टाइट करना, क्रॉस पे जब सारे बैठ जाएंगे ना फिर वहां पे टाइट करना, ये ध्यान रखना, पूरे टाइट नहीं करने, पूरे टाइट नहीं करने, बाद में करने थोड़ा थोड़ा टाइट करना, ज्यादा नहीं, अगर गियर बॉक्स से पानी जा रहा है, अगर गियर बॉक्स पानी जाने के बाद जगह लग के खराब हुआ है तो सामने वाटर सील भी चेंज करें, तो निकाले थे ना अभी, अब जो है हमारा गियर बॉक्स जो है प्रॉपर टाइट हो गया, अब आगे इसको, और यहाँ पे हमने मोटर भी टाइट कर दी है, अब आगे नीचे का कवर लगाएंगे और फिर अपने बेल्ट लगाएंगे, फिर वायरिंग करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। चलो जी, अभी जो है ये बच्चे जो है यहाँ पे ये सेमी ऑटोमेटिक, अब आप नीचे का कवर लगा रहे हैं, दिख रहा होगा नीचे का कवर लगा, और उसके बाद इसको वायरिंग करके प्रॉपर आपको दिख रहा है, ये देखिए ये साइड में इधर इधर, अभी ये शॉकर लग चुके हैं, अभी एक शॉकर हो रहा आएगा यहाँ से, और नीचे का स्क्रू लग रहे हैं, और फिर बेल्ट लगेगी, फिर वायरिंग होगी, फिर आपको पूरा प्रॉपर हम चला के दिखाएंगे मशीन कि सब कुछ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ये दिख रहा होगा सारे बच्चे यहाँ प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। अगर आपको वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग फ्रंट लोडिंग सीखना है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज सिंगल डोर डबल डोर, तो अगर आपको फ्रिज में सिंगल डोर डबल डोर इन्वर्टर सीखना है, एसी में विंडो एसी स्प्लिट एसी इन्वर्टर सीखना है, तो एबीसी स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट है अभी ये वायरिंग कर रहा है, वायरिंग करने के बाद एक बार आपको चला कर दिखाएंगे, पूरा प्रॉपर देखिए वायरिंग करेगा, फिर टेप करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि जो असेंबल असेंबल हुई है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई, तो वीडियो में लास्ट स्टेप है इसको दिखाना, रिजल्ट क्या आया वो दिखाएंगे, ठीक है। ये वायरिंग हो चुकी है, इस पर आप टेप कर रहे हैं, और टेप करने के बाद आपको फिर प्रॉपर दिखाते हैं कि कैसे कैसे चल रहे हैं, ये बच्चों ने वायरिंग करी है, वायरिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं, अभी टेप कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कंटिन्यू। जैसे कि जो स्टूडेंट्स जो है पूरी प्रॉपर तरीके से वायरिंग हो चुकी है, दिख रहा होगा सारा कुछ अपना सही तरीके से अरेंज किया हुआ है, अब इसको नीचे रखेंगे और फिर आपको चला के दिखाते हैं।
ये पल्सेटर को टाइट कर रहे हैं लगा के, भाई पल्सेटर आएगा फिर टाइट ऐसे 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 ही आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये लो पल्सेटर, इसके ऊपर लगेगा स्क्रू लगा के टाइट कर दो, और वो भी कर दो जो स्पिन वाला खोला था, ये लगा। हाँ ये भी लगा दो, ऊपर कवर लगाओ, ये वाला एक वो होगा प्लास्टिक का स्पिन कैप, कैप होगी, कैप निकालो, स्पिन बास्केट कैप ये डाल दो इसके अंदर ही। अब इसको हम चला के दिखाते हैं आपको, पूरा सब कुछ हो चुका दिख रहा होगा, पूरी प्रॉपर तरीके से मशीन को हमने असेंबल कर लिया, अब ये चलाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। चलो जी वायर लगाओ, मेन लीड लगाओ, जैसे कि दिख रहा होगा ये अभी वॉशिंग वाला पल्सेटर घूम है, ठीक है, वॉशिंग से भी चल रही है, और अपना हिसाब से नॉर्मल जेंटल और ये स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, और यहाँ से हमने स्पिन टाइमर चालू किया हुआ, स्पिन टाइमर भी दिख रहा होगा, ये बास्केट हमारी भी घूम रही है, ठीक, ये मूव भी करते हुए रुकी। तो ये हमारा कंप्लीट इस मशीन को हमने कर दिया असेंबल, असेंबल कर दिया, अभी बदर बजेगा, बदर बजा के दिखाते हैं, बदल ही बजेगा, इसको नॉर्मल कर देते हैं, और ये जो होता है इसे कहते हैं लिंट फिल्टर, क्या कहते हैं इसको, लिंट फिल्टर, लिंट का मतलब होता है जो कपड़ों के ऊपर भाई सब्जियों में रुई आती है ना, रुई उनको लिंट कहते हैं, तो ये क्या करते हैं फिल्टर कपड़ों को जो रुई आती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसे नाम है लिंट, हर मशीन में होता है। स्पिन भी चल रहा है और वॉश भी चल रहा है, और ये बदर बदर है, ठीक है, और मतलब सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो चुका है, और आपको सेमी ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग टॉप लोडिंग सीख रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।